में वार्ड नंबर 48 से निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर ने जनसंपर्क किया। फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अब अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। वार्ड 48 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गौरी शंकर शर्मा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवा महिला पुरुष ने भाग लिया। समाचार 24 से बातचीत में बताया कि वार्ड 48 में शिक्षा के क्षेत्र में एक एनजीओ द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य केंद्र भी वार्ड नंबर 48 में खुलवाया जाएगा। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 48 के निर्दलीय प्रत्याशी गौरी शंकर शर्मा ने कहा कि मैंने वार्ड में जनसंपर्क किया, क्षेत्रीय जनता का मेरी तरफ रुझान है और वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 न्यूज। मैं हूं सौराज सिंह, फिरोजाबाद। जिस तरह से नगर निगम का निकाय का चुनाव बड़े दौर पर है, 4 तारीख को मतदान होना है, वहीं आज फिरोजाबाद नगर निगम निकाय क्षेत्र की बात करें तो वार्ड नंबर 48 में दूसरे गौरी शंकर शर्मा जी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में आए हैं। सर, सबसे पहले समाचार 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने किस पार्टी से उम्मीदवार हैं और किस वार्ड से और क्या से है आपका जनता? मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, 48 नंबर वार्ड से, लेबर कॉलोनी से। प्राथमिकता की बात करें तो क्या विकास के रहेंगे आपके? मेरा पूरा प्रयास रहेगा, सफाई है और सड़क है, पानी है, बिजली है, जो भी है पूरा प्रयास रहेगा मेरा। आज आपके वार्ड नंबर 48 में जनता का, सभी बहन बेटियों का बड़ा प्यार मिलता देखने को मिल रहा है हम लोगों को, तो क्या श्रेय देना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद मिला? मेरे लिए पूरा समाज, हर वर्ग का मुझे वोट मिल रहा है, हर वर्ग का आदमी एक साथ है। आपने अपने समर्थकों के साथ में जनसंपर्क किया होगा वार्ड नंबर 48 में, और जनता का कैसा उत्साह देख रहे हो, क्या रुख है? जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। जीत रहे 100%। विकास के मुद्दे सबसे पहले क्या होगा नगर निगम में पहुंचा? सबसे पहले नगर निगम जो यहाँ गलियां नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, कीचड़ बह रहा है, सबसे पहले उसका विकास किया जाएगा और पार्कों की स्थिति यहाँ पर उसको सही कराया जाएगा। अगर शिक्षा की जितनी की बात करें, स्वास्थ्य सेवा की बात करें तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जाएगी शिक्षा की अगर बात करें, गरीब बच्चियों में जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनको कैसे शिक्षा प्राप्त होगी? एक तो मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, राशन की दुकान बाहर से लाई जाएगी, तो फाटक बाहर है, महिलाएं जो थक जाती है राशन लाने पुल चढ़ने में, और यहाँ स्कूल है, बढ़िया स्कूल बना हुआ है और एक स्कूल और बनाने का विचार है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्या सोचे? मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाना है मुझको स्वास्थ्य सेवा के लिए। लेबर कॉलोनी में लेकर के वार्ड नंबर 48 के पास प्रत्याशी के रूप में इस तरह से साफ तौर से बताया कि विकास के मुद्दे ऐतिहासिक होंगे, वार्ड नंबर 44 की जनता का बड़ा उत्साह देखने को मिला। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के समाचार 24 फिरोजाबाद।